हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 12 और क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी। ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज एग्जॉस्टिव कोर्स कवरेज है और वो भी आपके रिविजन के टाइम में, कम से कम समय में, कम से कम वीडियोज में। टाइम ड्यूरेशन कम है, छोटे लेक्चर्स हैं पर पूरा कोर्स है और सिर्फ उतने टाइम में जितने टाइम में आप अपना रिविजन कर पाते हैं। हमें फॉलो करेंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगी, सेशंस भी होंगे, कॉन्सेप्ट भी सारे आएंगे, डेरिवेशंस भी आ जाएंगी और ये सीखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी किस लाइन पर करनी है। हम दाएं बाएं भागेंगे तो शायद हम काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम एक लाइन में चलते हैं तो मजा आ जाएगी। हमें पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है और उसका रास्ता क्या है। तो साउथ सिटी पीसीएमबी आपके लिए बच्चों, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो एग्जैक्ट वो तैयार करा रहा है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में आना है। ध्यान रखें, 12th क्लास आईएससी और 10th क्लास आईसीएससी के लिए ये कोर्स डिजाइंड है। सीबीएसई के बच्चे इसका फायदा ले सकते हैं, जितना लेना चाहें। स्पेशली मैं कहूंगा 10th क्लास के बच्चे सीबीएसई के अगर फॉर नॉलेज पढ़ना चाहें तो आप ये मानिए कि 10th क्लास का जो कंटेंट है वो सीबीएसई वाले बच्चों की आंखें खोलेगा और कुछ ऐसा कंटेंट उन्हें मिलेगा, वो खुश होंगे देखकर कि उन्होंने कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा और पहले से बहुत बेहतरीन चीजें पढ़ी, ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ आए, ज्यादा एनालिसिस की पावर उनके अंदर डेवलप हुई और खुश होंगे हमें देखकर कि हाँ ये एक अच्छा कोर्स उनके लिए आया है। और आईसीएससी के बच्चों के लिए तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है ही बहुत अच्छा, परफेक्ट। फिलहाल क्लास 12 चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा हम कर रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का जो एजेंडा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है और दूसरा ये कि इसके थोड़े बहुत डेरिवेशंस हैं, बाद में इसके न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हम जंप करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा दिखता है? जैसा दिखा रहे हैं ऐसा दिखता है। मतलब क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल से? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर आप मतलब निकालना चाहते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा, या ऑपोजिट नेचर के चार्जेस है। जवाब है ना, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे? स्मॉल डिस्टेंस पे। कितनी स्मॉल डिस्टेंस है? कि जहां से आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सेपरेशन इस डी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें दो चार्जेस जो ऑपोजिट नेचर के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से एक दूसरे के साथ कंबाइन है, सिचुएटेड है, इस पूरे सिस्टम को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a very small distance, the system of the two charges is called as electric dipole. Dipole, दो तरह के poles, एक साथ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं plus 3 microcoulomb और minus 3 microcoulomb का charge और वो भी एक दूसरे से 2 millimeters के distance पे ले लेता हूँ तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बनेगा, मजे से बनेगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जांपल है इसका। और कोई बातें आपके पास? और एग्जांपल लिख लो, 4 माइक्रोकूलम प्लस का और 4 माइक्रोकूलम माइनस का। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? जी हाँ, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आ गया, फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सिस्टम एक साथ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो दुनिया से इंडिपेंडेंट, हमें सिचुएट नहीं कराना, ये अपने आप से सेटल्ड है, तो ये चीज भी आपके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बस इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडियल तब होगा जहां से आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है इस 2 सेंटीमीटर के आगे बहुत बड़ी हो, 2 सेंटीमीटर इसके आगे इग्नोरेबल हो जाए, ऐसा।
फिर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट। आप देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये क्यू और ये माइनस क्यू, इन दोनों को मिलाने वाली कोई एक लाइन है, इस लाइन को हम नाम दे रहे हैं बेटा डी। क्या नाम दे रहे हैं? डी। डी का मतलब चार्जेस के बीच का सेपरेशन। सिंबल पे मत जाओ, उसके मीनिंग पर जाओ, चार्जेस के बीच का सेपरेशन। यहां से क्वांटिटी डिफाइन होगी जिसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ठीक, माइनस से प्लस की तरफ इसकी डायरेक्शन, और डाइपोल मोमेंट जो लिख रहे हैं उसका सिंबल कुछ ऐसे पी वेक्टर। तो पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन कैसे किया जाएगा? पी वेक्टर का मतलब होगा क्यू इंटू डी एन गैप। इसको बोलते हैं इधर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। कोई भी एक चार्ज ले लीजिए बिना साइन के, साइन की जरूरत नहीं है, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए और नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी। तो इधर लिख लीजिए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या क्या बातें बताता है उसके बारे में जानना चाहिए। पहले इसका नाम लिख लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बता रहा है, बहुत ध्यान से देखो बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से क्या पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी फीबल जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना फीबल और कितना स्ट्रॉन्ग जनरेट कर सकता है, इसका पैरामीटर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा है तो फील्ड भी ज्यादा जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कम है तो फील्ड भी कम जनरेट होगी। इस तरह से डाइपोल मोमेंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइपोल से जनरेट होने वाली फील्ड इस प्रोडक्ट यानी कि Q into D पर पूरे जी जान से डिपेंड करती है। बड़ी जरूरी चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट अगर देखने जाएंगे तो लिखेंगे कूलम इंटू मीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस की सीजीएस यूनिट आपके कोर्स में नहीं है, स्टैट कूलम इंटू सेंटीमीटर बन गई, लॉजिक नहीं उसका कोई। चलिए एक बढ़िया सा डाइपोल मोमेंट का सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस 4 माइक्रो कूलम चार्ज है और यहाँ पर माइनस 4 माइक्रो कूलम चार्ज है, बीच का सेपरेशन 2 मिलीमीटर का है। अब बताइए कि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? मैं वेक्टर्स में डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, ऑल्दो वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है तो हम यही लेकर चलेंगे, बट इसको लिखा जाएगा क्यू इंटू डी। क्यू की जगह लिखा जाएगा 4 माइक्रो कूलम, माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करोगे 10^-6, और डी जो है वो 2 मिलीमीटर है और मिली का मतलब होता है 10^-3। तो बेसिकली इट केम आउट टू बी 8 × 10^-9 कूलम इंटू मीटर। ये डायपोल मोमेंट है। तो क्या ये बहुत मुश्किल है? जवाब है बिल्कुल नहीं, ये तो आसान सवाल था, आसान ही आते हैं। चलिए अब आपके लिए एक बढ़िया सवाल कर देते हैं। ये ओरिजिन है 0.0, यहां पर एक पॉइंट है 0.A, और यहां पर एक पॉइंट है 0.A। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए कि माइनस का क्यू, और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है कुछ माइनस का क्यू, और ओरिजिन पे चार्ज रखा है बच्चों प्लस का 2q। तो बताइए सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा। तो मैं ऐसे सिस्टम को हमेशा कहता हूं बच्चों को, दो हिस्सों में तोड़ लो, इस प्लस 2q को मत मानो, q मानो और q मानो।
ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आपको नजर आना चाहिए बेटा कि एक डाइपोल का सेट ये बन रहा है और एक डाइपोल का सेट ये बन रहा है। तो आपके लिए वेक्टर नोटेशंस में माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल इधर आ रहा है और माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल इधर आ रहा है, कुछ ऐसा ही सीन बना हुआ है। अच्छा, इस डाइपोल की वैल्यू अगर निकालेंगे तो भी वो क्यू इंटू ए आएगी। उसका लॉजिक ये है कि कोऑर्डिनेट ए दिया हुआ है तो सेपरेशन भी ए है, और इसी तरह यहाँ भी कोऑर्डिनेट ए दिया है तो सेपरेशन बेटा ए ही मिलेगी। इस वजह से इस वाले डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्यू इंटू ए आएगी। क्या इन दोनों के बीच में अगर मैं इसे फर्दर और आगे प्रोड्यूस कर लूँ और इसे भी और आगे प्रोड्यूस कर लूँ तो क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल नजर आता है? जवाब है हाँ। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, P वेक्टर और Q वेक्टर, क्या वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है? अगर जवाब है हाँ 90 डिग्री पे है तो इन्हें वेक्टर की तरह ऐड करना चाहिए। और जब हम P नेट निकाल रहे होंगे तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस 2PP cos 90 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2AP cos थीटा। वेक्टर एडिशन कर लो, ये पूरा खत्म हो गया। हमारे पास जो स्क्वायर रूट में चीज बच रही है वो है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ओवर 2P स्क्वायर, यानी कि रूट तो 2 को बसा लेगा और p बाहर आ जाएगा। और फिर कोई बच्चा कहेगा सर p की क्या वैल्यू थी? तो आप जानते हैं p की q इनटू a वैल्यू थी। ये रहा बेटा आपका पी नेट सिंपल। तो बेसिक सा आइडिया ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें चार चार्जेस के सेट नहीं हो पा रहे और दो डाइपोल्स निकालने हैं तो फिर ये चार इसी तरह दिया होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा और डाइपोल्स दो बन जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के सवाल अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं है क्योंकि हम लास्ट लैप में चल रहे हैं, नवंबर दिसंबर का समय आ चुका है और इन डिटेल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो करने की जरूरत है जो कोर्स में है, बोर्ड में आएगा, है ना। इसलिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं करते। मैं डाइपोल की कुछ बेसिक आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि डाइपोल क्या है। दोबारा से देखिए, डाइपोल की चीज डाइपोल है। डाइपोल में एक तरफ बच्चा माइनस चार्ज रहेगा और एक तरफ बच्चा प्लस चार्ज रहेगा। अगर ये क्यू होगा तो ये भी क्यू होगा और मैं दोनों के बीच के सेपरेशन को आज जानबूझ कर 2a कह रहा हूं, जिसे अभी तक हम d बोला करते थे वो 2a हो गया। यानी अब जहां जहां भी q into d डालना होगा वहां वहां q into 2a डाला जाएगा। ठीक, डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस टू प्लस होना चाहिए। तो ये मैंने डाइपोल मोमेंट भी आपके लिए तैयार कर दिया। दिस इज आवर डाइपोल। कोई बच्चा अगर इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को बढ़ा दे, यानी कि चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को एक्सटेंड कर दे, तो फिर ऐसा समझा जाएगा कि जैसे हमने डाइपोल की एक्सिस बना दी। क्या बना दी? एक्सिस। एक्सिस ऑफ डाइपोल बना दिया। अब डाइपोल का कोई मिड पॉइंट होगा, ठीक, जानबूझ के मैं नाम बता रहा हूं इसका मिड पॉइंट। उसका रीजन ये है कि जब आप यहां पर कहीं खड़े हैं एक्सेस पर कहीं दूर और पूछा जाए कि बताओ डाइपोल से क्या डिस्टेंस है, तो कोई बच्चा प्लस चार्ज से डिस्टेंस बता सकता है, माइनस से डिस्टेंस बता सकता है, इस डाइपोल से क्या डिस्टेंस बताएगा? डाइपोल तो बड़ी एंटिटी। इस वजह से जब भी कभी किसी भी पॉइंट की डाइपोल से डिस्टेंस नापी जाएगी तो वो इस मिड पॉइंट से नापी जाएगी। डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम डाइपोल स्ट्रिकन फ्रॉम midpoint of dipole।
इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुने इसे, है ना, काम की चीज। अब अगर मैं इस डाइपोल पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जानबूझकर ड्रॉ कर दूं, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिड पॉइंट से भी पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस भी है, तो ये लाइन कहलाती है इक्वाटोरियल लाइन। क्या कहलाती है? इक्वाटोरियल लाइन। एक्सिस का मतलब डाइपोल मोमेंट के पैरेलल लाइन, और इक्वाटोरियल का मतलब हुआ डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर लाइन, लेकिन वो डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होनी चाहिए। अब अगर मेरा कोई भी पॉइंट, लेट से यहां पर है ये पी पॉइंट, तो मैं इस पी पॉइंट को नाम दूंगा एक्सियल पॉइंट। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, अगर यहां कोई पॉइंट हुआ पी, तो मैं इस पी पॉइंट को नाम दूंगा इक्वाटोरियल पॉइंट। क्या नाम दिया बेटा? इक्वाटोरियल पॉइंट। इंपॉर्टेंट। इस एक्सियल पॉइंट को एक और नाम देते हैं, और वो देते हैं एंड ऑन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एंड ऑन पोजीशन। और इक्वाटोरियल पॉइंट को क्या नाम देते हैं बेटा? ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन, इक्वाटोरियल पॉइंट ब्रॉड ऑन पोजीशन, एक्सियल पॉइंट एंड ऑन पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास चार पांच टॉपिक्स हैं जो डाइपोल से रिलेटेड हैं, जो इस लेक्चर में और अगले लेक्चर दोनों में हम कर रहे होंगे, क्योंकि एक साथ कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इक्वाटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसके बाद किसी जनरल पॉइंट पे निकालो जो एक्सिस और इक्वाटोरियल दोनों पे ना हो, फिर एक्सिस पे पोटेंशियल निकालो, इक्वाटोरियल पे पोटेंशियल निकालो, और फिर से किसी और जनरल पॉइंट पे निकालो। तो तीन और तीन छह डेरिवेशंस हमारे पास डाइपोल से रिलेटेड आ जाएंगी। इसके बाद डाइपोल पर टॉर्क की डेरिवेशन आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आ जाएगी। तो छह डेरिवेशन ये, और टॉर्क की डेरिवेशन एक साथ, और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आठ। आठ डेरिवेशंस इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो भी करनी चाहिए और जरूर से जरूर याद करनी चाहिए, क्योंकि डाइपोल इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स जो पेपर में जरूर आता है। इसलिए जो पहली कहानी है इस पूरे एजेंडा की, वो हम यहाँ पर गढ़ते हैं, और वो पहली स्टोरी है डाइपोल की एक्सिस पर फील्ड। ठीक, यहाँ पर मैं जानबूझकर नेगेटिव चार्ज डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी दे रहा हूँ। अच्छा, प्लस और माइनस आगे पीछे दोनों तरफ लिख सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं कि इधर ही प्लस लिखा जाए, उधर भी लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप डाइपोल मोमेंट डिफाइन करने जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये डाइपोल मोमेंट, मैंने बहुत जानबूझकर ये जो आपके सामने बनाया है, बड़ा डाइपोल बनाया है। ऑल्दो मुझे डाइपोल के नाम पर बहुत छोटा डाइपोल बनाना चाहिए था, क्योंकि हम आइडियल डाइपोल की बात करते हैं, और दो मिनट पहले ही हमने आइडियल डाइपोल की डेफिनेशन भी कर रखी है कि आइडियल डाइपोल वो जिस डिस्टेंस पे हम फील्ड निकालने वाले, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्सेट्रा, उसके मुकाबले में ये डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल है, कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूरी मीटर्स में होगी और ये दूरी मिलीमीटर्स में होगी। आपको क्लियर दिखाई दे इसलिए इसको बड़ा बनाया, तो ध्यान रखिएगा ये छोटा ही है। डिस्टेंस अगर आप देखेंगे चार्जेस के बीच की, उस डी को हमने आज फिर से 2a लिखा। कारण क्या है कि मिड पॉइंट से डिस्टेंसेस नापनी है, तो वो बराबर बराबर दो हिस्सों में टूट जाए, इस वजह से उसको हमने 2a कर दिया, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी ओनली, नथिंग स्पेशल। ये आ गया बेटा। अब कहा जाएगा कि यहां कोई पॉइंट है जिसका नाम है P, और इस P का जो नाम है इसे बोला गया फील्ड पॉइंट। फील्ड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और दूसरा इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को बोला जाता है फील्ड पॉइंट। और कहा जा रहा है कि बताओ फील्ड पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पी से इस मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस को नाप लें। उसका रीजन ये है कि मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस को नापेंगे तो ये कह पाएंगे कि फील्ड पॉइंट
और हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल से डिस्टेंस नापते हुए तो हम मिड पॉइंट से नापा करते थे, अभी हम लोगों ने किया, तो इनके बीच के सेपरेशन को स्मॉल r बोला गया, व्हिच वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तो अब कोई अगर p से प्लस q की डिस्टेंस नापना चाहता है तो मेरी समझ में वो r माइनस a नापेगा, और उसका लॉजिक क्या है r माइनस a नापने का? अरे यार एकदम क्लियरली विजिबल है भाई, r माइनस a कैसे नापेगा, a छोटा हो गया ना इधर से, तो इसका मतलब ये है कि सब जो p से माइनस q तक जा रहे होंगे तो इसे तो आप r प्लस a लिख देंगे। हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि r डिस्टेंस मिड पॉइंट तक थी, उसके आगे a डिस्टेंस और जाना पड़ा, अगर आप देखें यहां तक r था, r के बाद a और आगे है, तो r प्लस a हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो, प्लस चार्ज रिपल्सिव फील्ड क्रिएट करेगा आगे की तरफ, माइनस चार्ज अट्रैक्टिव फील्ड क्रिएट करेगा इस तरफ, दोनों की फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे a ड्यू टू प्लस q और e due to minus की, important है। अब अगर हम electric field net निकालने लग जाएं तो कोई बच्चा कहेगा कि e due to plus q से e due to minus q plus नहीं होना चाहिए, minus होना चाहिए, provided कि हम किसी कीमत पर charges के sign नहीं रख रहे हैं, electric field की जो directions हैं उन्हें अपनी मर्जी से देख ले रहे हैं कि वो subtract होने वाले हैं, thereafter हम subtract कर दे रहे हैं, मगर charges के sign को नहीं रख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकाल लें। ये जो नन्हे नन्हे चार्जेस हमारे सब पॉइंट चार्जेस हैं, तो हम लिखेंगे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर चार्ज से p पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, वो तो r माइनस से है, तो प्लस q की दूरी r माइनस k है, तो होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब माइनस q की बारी आई तो q लिख दिया, और माइनस q से p पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है अगर देखोगे तो r प्लस k, हम लिखेंगे बेटा यहां से r plus a का होल स्क्वायर, ये इसमें से सब कॉमन ले लो जो आ सकता है, तो मेरी समझ में q upon 4 by epsilon naught कॉमन आ सकता है, 1 upon r minus a का होल स्क्वायर minus 1 upon r plus a का होल स्क्वायर, ये लिख दिया गया। बच्चों इसके बाद क्या करोगे? सर LCM ले लिया जाएगा, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, फिजिक्स खत्म हो गई, thereafter मैथमेटिक्स is applied। तो चलो r minus a का होल स्क्वायर और r plus a का होल स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया है ना, मैंने कोई LCM LCM नहीं बनाया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो इसका मतलब यहां प्लस वाले इधर चला जाएगा और माइनस वाले इधर आ जाएगा, तो हम लिख रहे होंगे r plus a का होल स्क्वायर minus r minus a का होल स्क्वायर। देखिए q upon 4 pi epsilon naught, इसे खोलिए आप, क्या लिखेंगे, r square plus a square plus 2ar, इसे खोले क्या लिखेंगे, r square plus a square minus 2ar, सर साइन नहीं लिख रहे हो, अभी बताते हैं क्यों लिखा, बहुत इत्मीनान से मेरी बात देखना, r square a square plus में होगा और माइनस में होगा 2ar, पर बाहर क्या लगा है, माइनस, तो जो जो थे प्लस वो हो गए माइनस, जो था माइनस वो हो गया प्लस, नीचे देखो इन दोनों का a माइनस b a प्लस b, तो ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर r r r a, ये कट गया, तो बेसिकली जो ऊपर बच रहा है तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखोगे तो अच्छा लगेगा, दैट इज 4 a r whole divided by r square minus a square all raised to 2, इस 4 को divide कर लो 2, ठीक, into 2 a cube into r whole divided by 4 pi epsilon naught r square minus a square का whole square, ये net electric field है। ये फॉर्मूला तुम्हें किताब में बहुत इज्जत के साथ नहीं मिलेगा, उसका कारण ये है कि ये फॉर्मूले में अभी तक हमने ये असम्पशन यूज नहीं किया है कि ये जो a है ये बहुत छोटा है इस r के मुकाबले में, ये जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला के बाद क्या आता है,
स्पेशल फॉर्मूला यानी स्पेशल केस का फॉर्मूला। ये साहब स्पेशल केस क्या होता है? स्पेशल केस ये होता है कि अगर आपसे कह दिया जाए अगर ऐसा हो कि r बहुत बहुत बड़ा हो a से, तो इसका मतलब है कि r स्क्वायर तो a स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो एडिशन करने का कोई लॉजिक तो बचेगा नहीं, तो आप इस a स्क्वायर को खत्म कर देंगे। ठीक, मतलब ये हुआ कि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह आप r स्क्वायर ही लिख देंगे, इस वैल्यू को आप लगभग काट देंगे, मानेंगे नहीं। तो जो e नेट आ रहा होगा बेटा, वो e नेट आ रहा होगा 2 into, बहुत ध्यान से देखोगे ये एक टर्म दिखेगा तुमको 2a की, और ध्यान से देखो कि 2a क्या चीज है, 2a दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है जिसे तुम डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बोलते हो, और q का मल्टीप्लाई करो तो d into q क्या बनता था, डाइपोल मोमेंट, तो 2a into q क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट, तो इसलिए इसे डाइपोल मोमेंट लिखा गया। इधर लिखा गया r, नीचे आया मेरे बच्चे 4 pi epsilon naught, और r की पावर बन गई 4, क्योंकि a को तो तुमने खत्म कर दिया, तो r स्क्वायर का स्क्वायर क्या बना, r की पावर 4, इसे काटोगे तो क्या बनेगा, r का क्यूब। तो e net का फॉर्मूला क्या आया, बहुत आराम से देखना, 2p divided by 4 pi epsilon naught r क्यूब, ये एक्सिस पर डाइपोल की फील्ड है। एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल की फील्ड का फॉर्मूला 2kp by r क्यूब, 2 और उसके बाद ये k p by r क्यूब, ये फॉर्मूला है और ये बड़ा शान। तो ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है, इफ दिस हैपेंस r इज वेरी ग्रेटर देन a तो फिर ये फॉर्मूला काम करेगा, इफ r इज नॉट वेरी ग्रेटर देन a ये फॉर्मूला काम करेगा। बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जहां पर डाइपोल की जो चार्जेस के डिस्टेंसेस हैं ऐसी ही रिलेटेबल डिस्टेंस पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, वहां पर ये फॉर्मूला काम करता है, फॉर्मूला काम नहीं करता, तो आप हमेशा देखकर करेंगे कि उसने आइडियल डाइपोल बोला है कि नहीं। डाइपोल के साइज और सेपरेशन ऑफ फील्ड पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है या नहीं, सर ज्यादातर सवाल इसी के आते हैं, तो ये फॉर्मूला है, बट फिर भी आप कॉशियसली रीड करें इसे। खैर, अगला सवाल देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो E field at equatorial line का है। Equatorial line का मतलब है broad on position, और important है कि आपको याद आना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक dipole रहा होगा जहां पर आपने प्लस और माइनस चार्जेस लिए, मान लीजिए माइनस बच्चा और यहाँ पर प्लस। मैंने जानबूझकर आपको डाइपोल बड़ा बनाकर दिखाया है, ये बहुत बड़ा नहीं है, और वो सारे असम्पशंस जो हमने एक्सेस पर कंसीडर किए थे वो असम्पशंस यहाँ भी चलेंगे, सच दैट दिस आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, ताकि ये पता चले कि जिस पॉइंट पर फील्ड निकाली जा रही है उस पॉइंट के कंपैरिजन में डाइपोल का जो डिस्टेंस है, डाइपोल का जो साइज है, वो बहुत छोटा है। और ये रहा आपका मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसे ही हम लोग नाम देते हैं इक्वाटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वाटोरियल लाइन। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है बच्चों जिसे हम P कह रहे हैं, और ये मिड पॉइंट से बच्चा R सेपरेशन पर पाया जा रहा है, तो हम प्लस Q चार्ज से भी डिस्टेंस नापेंगे और माइनस Q चार्ज से भी डिस्टेंस नापेंगे। तो मेरे हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी आपको नजर आ रही होगी, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, कारण ये है कि 2a को हाफ आप डिवाइड करो तो बेसिकली ये a और a डिस्टेंस निकल कर आती है। दोनों ट्राइंगल्स में r कॉमन है, एक 90 तो दूसरा भी 90, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, इस वजह से अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा भी थीटा। अब
देखिए माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज रहने वाली अलोंग द लाइन जॉइनिंग है, और प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग रहने वाली है अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये चीज है ई ड्यू टू माइनस क्यू और ये चीज है ई ड्यू टू प्लस क्यू। अब जानबूझकर क्या किया जा रहा है, हम यहाँ पर डाइपोल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, डाइपोल की एक्सिस के पैरेलल, और डाइपोल की एक्सिस से ही चीजें सोचेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो लॉजिकली ये एंगल भी आपको थीटा दिख रहा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, और ये एंगल अगर थीटा है तो ऑल्टरनेट के हिसाब से ये एंगल भी थीटा दिख रहा होगा, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस x है इससे हम बोल सकते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 1/2, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। अब इसी तरह यहां पर भी x ही होने वाला है, तो हम लिखेंगे r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 1/2। बड़ा सीधा सरल चीज है, आप e ड्यू टू प्लस q लिख लीजिए यहां पर और e ड्यू टू माइनस q लिख लीजिए। मैंने पहले कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में चार्जेस को साइन के साथ रखने की जरूरत नहीं है, उसका कारण यह है कि डायरेक्शंस हम लॉजिक से निकाल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से प्लस चार्ज की फील्ड में जो चार्ज और फील्ड पॉइंट का सेपरेशन है वो x है, तो हमारे लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/4πε0 q/x2। अब x का वैल्यू तो ये है जो लिखी, पर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो बेसिकली जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो होगा 1/4πε0 q/x2 की जगह क्या लिखोगे r2+a2, मेरे हिसाब से करिए। इसी तरह माइनस q भी लिख लीजिए, 1/4πε0 चार्ज q ही है, सेपरेशन x है तो x2। अब x फिर से उतना ही है तो स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, यही लिखना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं 1/4πε0 q/r2+a2 थी और रूट था तो सब खत्म हो गया। बेसिकली चीजें बराबर आ रही है मेरे हिसाब से, तो अगर मैं इसे भी e बोलूं तो इसे भी e ही बोलना पड़ेगा, कारण ये है कि due to plus q due to minus q मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो मैं जानबूझकर दोनों के दोनों जो मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं उनका इस डायरेक्शन में cos कंपोनेंट बनाता हूं, ऊपर वाला भी e है e cos थीटा, नीचे वाला भी e है e cos थीटा। ऊपर वाले कंपोनेंट का ऊपर की तरफ जाएगा तो लिखेंगे e sin थीटा, और नीचे वाली फील्ड का नीचे कंपोनेंट आएगा और इसे भी लिखेंगे e sin थीटा। आपको पता है कि e बराबर है sin थीटा बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 2 टाइम्स e cos थीटा आएगी, वो दोनों ऐड होने वाले हैं, बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो हम लिख रहे होंगे e नेट equal to 2e cos थीटा, तो वैसे ही रहा, e की जगह क्या लिखा गया वो ध्यान से देखो 1/4πε0 q/x2+a2, ठीक है, और उसके बाद लिखा गया cos थीटा। अब साहब cos थीटा पता चल जाता तो बात बन जाती, तो cos थीटा ट्रायंगल से निकाल, है ना, इस ट्रायंगल से अगर हम cos थीटा लिखने की कोशिश करेंगे तो cos थीटा का मतलब होता है बेस व्हिच इज a divided by hypotenuse जो कि ये लिखा हुआ है, यानी कि r square plus a square और पूरे की power 1/cos थीटा, यहाँ पर करिए 2 times 1/4πε0 q/x2+a2 cos थीटा की जो value put कर दीजिए, that is a divided by r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, यहां पावर 1 और यहां पावर 1/2 और बेस है बराबर, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ऊपर लिख रहे होंगे बेटा क्या चीज 2q(a)(4πε0)r²+a²3/2, तो ये e नेट। मैं जानबूझकर 2a(q) को तो डाइपोल मोमेंट बोल सकता हूं, तो मैं इसको p लिख देता हूं, तो मेरे लिए आंसर आ गया बेटा p whole divided by 4πε0 r² + a² whole raised to power 3/2, ये e net। आप इस e net को रख लीजिए, पर कहिए कि ये general formula है, ये special formula नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखना जरूरी है कि ये चीज general formula।
इसी में यहाँ पे स्पेशल कंडीशन लगाई जाए और कहा जाए इफ आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन के, तो इसका मतलब आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर के आगे बहुत बड़ा होगा, इस वजह से ए स्क्वायर को इग्नोर किया जा सकता है। जब ए स्क्वायर को इग्नोर करोगे तो तुम्हारे लिए ई नेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो बेसिकली आर क्यूब बनेगा। ये बन गया फॉर्मूला और ये स्पेशल फॉर्मूला है, डाइपोल आइडियल बोले तो यही फॉर्मूला लगाना है, तो इंपॉर्टेंट है ये है स्पेशल फॉर्मूला। क्या बोला गया बेटा? स्पेशल फॉर्मूला बड़ा खास है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। जनरल फॉर्मूला मतलब जब भी कभी डाइपोल छोटा हो और दूरियां भी छोटी हो कंपेरेबल हो तो फिर ये लगाना है, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये लगाना नहीं, ध्यान होना चाहिए। तो चलिए दो फॉर्मूला हमने बनाए, इन दोनों फॉर्मूलाज को हम लोग नोट करते हैं। जीरो पर नोट करते हुए हमें मिलेगा कि एक्सिस वाला जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था 2p / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब पर इक्वाटोरियल का जो हमने निकाला वो है p / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये दो फॉर्मूलाज अभी-अभी हम लोगों ने डिराइव किए हैं, इसी लेक्चर में किए हैं, तो सबको याद भी हो गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो भैया बोल बोल कर याद करो, इसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। एक सवाल तो सीबीएसई में डायरेक्टली पूछा गया कि E एक्सिस और E इक्वेटोरियल के बीच क्या रिलेशन है, तो तुम कहोगे कि इक्वेटोरियल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक्सिस बन जाता है, तो ये रिलेशन आपको दिख रहा है साफ साफ, 2 का फैक्टर है सॉल्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये है अपना डाइपोल की एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब जो तीसरा केस हमारे लिए बचता है वो तीसरा केस है किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर तीन केस और बचते हैं और वो है एक एक्सिस पर पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल और जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क। लेकिन आज का लेक्चर क्योंकि लंबा हो गया है, सफिशियंट टाइम हमने यहाँ पे डिवोट कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन डाइपोल के दो डेरिवेशंस और डाइपोल मूवमेंट के कुछ सवालों को आप यहां से ग्रैब करके जाइए। बाय इंडक्शन आप ऐसे ही प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करिए, यू विल गेट कि जो यहां कराया गया है इसी से सब कुछ लग जाएगा, और नहीं लगेगा तो हम बैठे हैं ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स आपके साथ लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल क्योंकि काम खत्म हो चुका है और हम आज के लेक्चर को कंक्लूड भी कर रहे हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया, इसलिए साउथ सिटी पीसीएमबी को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना कंटेंट यहाँ पढ़ाया जा रहा है बच्चों, मानकर चलिएगा कि आपके एग्जाम में बस उतना ही आएगा। बोर्ड एग्जामिनेशंस को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करने के लिए डेरिवेशंस को कैसे लिखना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में रिटन पेपर है, एमसीक्यू नहीं है, इसलिए सारा पैकेज बोर्ड एग्जामिनेशंस का साउथ सिटी पीसीएमबी आपके लिए लेकर आया है। हमें फॉलो करिए, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में डाइपोल के और अच्छे कॉन्सेप्ट्स पोटेंशियल के साथ। टिल देन फॉलो करते रहिए। थैंक यू।